हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप की वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा होगा और ये पेपर है आपका, बेसिकली ये पेपर है आपका महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, दैट इज MPPSC महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से टेक्निकल सर्विसेज के लिए, टेक्निकल सर्विसेज का ये एग्जाम है और ये एग्जाम आपका हुआ है, दैट इज ऑन 17th ऑफ दिसंबर को, 17 दिसंबर 2022 को ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। इसका ये पेपर है और इस पेपर के अंदर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मराठी के, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस हैं और सामान्य ज्ञान के आपके क्वेश्चंस हैं। तो जो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम जो GS के क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पेपर के अंदर 200 नंबर का पेपर है आपका ये और 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हम अपने वीडियो में 31 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए 1 टू 30 क्वेश्चन जो हैं आपके, 1 टू 30 क्वेश्चन जो हैं वो आपके मराठी मीडियम के और इंग्लिश लैंग्वेज के हैं बेसिकली। फिर हम 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि आपका GS का सेक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, इसमें पूछा गया है विच इज द फर्स्ट स्टेट टू डेवलप द माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन। ये चीज आपने कहाँ से शुरू हुई है, ये शुरू करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 32 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दी गई हैं, द्रौपदी मुर्मू जो कि आपके भारत की 15th जो है प्रेसिडेंट हैं, तो उनके बारे में पूछा है। तो ये गवर्नर रह चुकी हैं झारखंड की, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। शी हैज अ डिग्री होल्डर, बेसिकली इन्होंने जो ग्रेजुएशन है इनकी, ये आर्ट्स से इन्होंने बेसिकली बीए किया है इन्होंने, भुवनेश्वर से, उड़ीसा से इन्होंने बीए की डिग्री हासिल करी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी सही होने के साथ में आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, बोथ वन एंड बी, सॉरी ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर। देन हम बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। तो 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है टू हुम इज द नोबल प्राइज, पीस प्राइज 2021 का, जो कि सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए दिया गया है, वो दिया गया है मारिया रेसा और डिमेट्री मोट्रोव को, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 33 नंबर क्वेश्चन का। देन हम बढ़ते हैं 33 के बाद है 34 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है, दिस इज द 34 नंबर क्वेश्चन, व्हेन डिड द इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ब्राजीलियन अमेजोनिया 1 इस सेटेलाइट को लॉन्च किया है स्पेस के अंदर, ये लॉन्च किया गया था 28 फरवरी 2021 को। थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन, किस दिन इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, वो 5 दिसंबर को किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है 35 नंबर क्वेश्चन का। 36 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पूछा गया है कि हु इनॉग्रेटेड द इंडस्ट्रियल डी कार्बोनाइजेशन सबमिट 2022 जो जून में हुई थी नई दिल्ली के अंदर, इसे हेड किया था, इनॉग्रेट किया था बेसिकली जो आपके रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने, और दैट इज नितिन गडकरी, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल से मैंने ये पेपर लिया है, तो ये आप यहाँ से भी ले सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ये पेपर आप ले सकते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एज ऑफ 2022 अगस्त के दौरान हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, कितनी लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है, दैट इज द 6 लैंग्वेजेस जो है उनको दिया गया है। द 2022 साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार जो है, चाइल्ड लिटरेचर अवार्ड जो है वो फॉर द मराठी लैंग्वेज के लिए वो किसे मिला है, दैट इज ये मिला है पीयूषी वाही को, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का। देन हम बात करते हैं 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पूछा गया है व्हेन एंड इन विच कंट्री द फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ मंकी पॉक्स रिकॉर्डेड, दैट इज इन द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 1970 के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। रिसेंटली जून 2022 के अंदर हु इनॉग्रेटेड द नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम एंड GST इन गोवा, दैट इज द निर्मला सीतारमन, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। निर्मला सीतारमन कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर है एट प्रेजेंट। 41 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, दैट इज द लॉर्ड रिपन, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
42 नंबर क्वेश्चन आपका, तो यहाँ पर आपका पूछा गया है 42 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट अमंग द फंक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी लिस्टेड इन द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे आपके 12th शेड्यूल ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज के अंदर लिखे गए हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज। 42nd का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट फॉर्म्ड फॉर द इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म दैट इज द एलएम सिंघवी कमिटी इज नॉट फॉर द इलेक्शन रिफॉर्म दैट इज ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 43। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, तो यहाँ पर 44 ओके नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा 44 नंबर क्वेश्चन को। ओके तो क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है, 44 क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी का जो फंक्शन नहीं है वो क्या होगा यहाँ पर, तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द टू रिपोर्ट द यूनियन होम, सॉरी नॉट द फंक्शन पूछा गया ना यहाँ पे। ओके स्टेट की बात कर रहा है ना, तो यूनियन होम मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी होना चाहिए मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी पॉइंट नंबर 3 ऑप्शन सी 3। 45 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि भारत की वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसे 2023 के अंदर जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें पहला स्थान मिला है, वो है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे के बाद नंबर आता है IIT दिल्ली का सेकंड पोजीशन पर, ठीक है। 45 के बाद है 46 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वॉज क्रिएटेड बाई, दिस इज क्रिएटेड बाय द एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एज पर द महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1949 स्टैंडिंग कमिटी कंसिस्ट ऑफ 16 काउंसिलर्स ऑप्शन नंबर डी 4 यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 47। 48 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका 48 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डज नॉट अप्लाई ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए ये मेघालय मिजोरम और नागालैंड इन तीन स्टेट में नहीं होता है, दैट इज AC दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाता है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन का। 48 के बाद है 49 नंबर क्वेश्चन, तो दिस इज द 49 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकम सोर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। तो देखिए ग्राम पंचायत जो है 10% टैक्स ऑन द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द विलेज, हाउस टैक्स पे लगा सकती है ग्राम पंचायत, इम्पोज टैक्स ऑन एनिमल एंड प्रोसेशन सभी रहते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आएगा ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 है ये आपका, 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डू नॉट हैव पावर टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। सो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है वो हायर एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशन और स्टेट ट्रांसपोर्ट, इस पर वो अपना कानून नहीं बना सकती, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, तो 51 में पूछा गया है कि ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस व्हाइट लेट लाइट गेट सेपरेटेड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर व्हेन द पास थ्रू द, दैट इज यहाँ पर जो फेनोमेना यूज होगा दैट इज द डिस्पर्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं, तो 52 नंबर क्वेश्चन का आ गया ये रहा, तो 52 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज 13.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। अल्फा डीके द अनस्टेबल न्यूक्लियर न्यूक्लियस एमिट एंड अल्फा पार्टिकल्स रिड्यूसिंग इट्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाय, दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, जेड बाई 2 और जेड एन बाई 2 ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की, तो 54 में पूछा गया है when carbon dioxide is passed in the concentration of NaCl with the saturation of ammonia crystals of which is separate out, देखिए यहाँ पर formation देखने को मिलेगा sodium bicarbonate NaHCO3 का और साथ में NH4Cl मिलेगा आपको, और उसके बाद ये further आपका breakdown होगा और ये convert हो जाएगा Na2 sodium carbonate के अंदर, इसके crystals आपको देखने को मिलेंगे, तो question का correct answer है option number 2, ठीक है। byproduct होगा but after मतलब इसका भी फर्दर डिकम्पोजिशन होगा तो वो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहाँ पर, इसके क्रिस्टल्स मिलेंगे आपको। विच एटम डज नॉट कंटेन्स न्यूट्रॉन दैट इज हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, और किसके अंदर जो कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता दैट इज द BCl3, ठीक है BCl3 रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। बोरॉन और एल्युमिनियम जो है बेसिकली दो एलिमेंट्स जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, तो यहाँ पर जो एलिमेंट लग रहा है आपका बोरॉन के साथ में वो यही वाला है। नेक्स्ट है इन इंडिया एरियल फोटोग्राफी वॉज स्टार्टेड इन द 1920 के अंदर ये शुरू होती है, शॉर्ट रेंज नेटवर्क इज कॉल्ड एज अ बेसिकली ब्लूटूथ वाईफाई, ये सब क्या है शॉर्ट रेंज नेटवर्क है ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। डैश एलिमेंट लाइन इज यूज्ड फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया दैट इज द लाइन,
ठीक है, लाइन एलिमेंट इज सॉरी पॉलीगन नहीं, नहीं सॉरी, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, बट मेरे ख्याल से यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑल ऑफ द पॉइंट लाइन एंड पॉलीग्राफ, ये सारी चीजें फॉरेस्ट एरिया को डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा है द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स कंप्यूटर हार्डवेयर दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। द ऑथेंटिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ डैश, तो यहाँ पर आएगा डैश में असिस्टमैटिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 61 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, तो यहाँ पर पूछा है मालवेयर इज द बेसिकली क्लासिफाइड एज द वायरस, वॉर्म्स होते हैं, ट्रोजन हॉर्स होता है, स्पाईवेयर होता है, मतलब ABC रहेगा, सॉफ्टकॉर्न नहीं होता, ABC दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाता है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। देन हम बात करते हैं 63 की, तो 63 में आपसे पूछा है साइबर क्राइम इन्वॉल्व विच काइंड ऑफ एक्टिविटीज, दैट इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, डिफेमेशन अदर पर्सन ऑनलाइन होता है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है, ये गेनिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन आपका यहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट आंसर। विच ओशियन वॉज लोकेटेड बिटवीन द अंगारा एंड द गोडवाना आइलैंड, दैट इज द यहाँ पर आएगा थेसिस सी, दैट इज 4th पॉइंट यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। डैश इज द हैवी रेनफॉल प्लेस इन द साउथ कोंकण, दैट इज अम्बोली, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अम्बोली के बाद नंबर आता है सेकंड पे महाबलेश्वर। 66 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा गया है 66 में, विच काइंड ऑफ सेटलमेंट पैटर्न इज फाउंड इन द सह्याद्री रेंज ऑफ महाराष्ट्र, तो 66 जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर में थोड़ा सा डाउट है, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज हैविंग हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज, दैट इज द 9, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 67 का। देन हम बात करते हैं 68 की, तो 68 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है डैश हिल इज सिचुएटेड बिटवीन द भीमा रिवर एंड द गोदावरी रिवर, तो यहाँ पर आपकी कौन सी रिवर्स आपका हिल्स रहेगा, दैट इज यहाँ पर हरिश्चंद्र एंड बालाघाट आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 69 में हिमाचल प्रदेश के अंदर भाखड़ा डैम है वो किस रिवर पर बना है, दैट इज द सतलुज रिवर पे, ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ताप्ती रिवर जो है उसकी टोटल लेंथ क्या है आपकी ये बताना है, तो ताप्ती रिवर की जो टोटल लेंथ है दैट इज 724 किलोमीटर की है। ठीक है, एंड ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर, हमने बात करी 31 से 70 क्वेश्चन है आपके। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन है जीएस की, इसके बाद देखिए आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, दिस इज अ रीजनिंग एंड मैथमेटिक क्वेश्चन। लास्ट में 5 क्वेश्चंस मुझे और देखे थे, वो थे आपकी बेसिकली जीएस के, उनको भी हम कवर कर लेते हैं, दैट इज 96 से है ये आपका मैथ एंड रीजनिंग का सेक्शन चल रहा है। लास्ट 5 क्वेश्चंस थे आई थिंक 96, ओके 96 नंबर क्वेश्चन है आपका जीएस का, उसको भी कवर करते हैं हम साथ में। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, दैट इज द ईस्टर्न हिमालयस। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। 97 की हम बात करें तो 97 में आपसे पूछा है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट, सॉरी या कह ली सॉरी मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट जो पूछा गया है जो अफेक्टेड रहते हैं थ्रू द कोशी रिवर, दैट इज द बिहार के जो ज्यादातर जिले हैं वो अफेक्टेड रहते हैं थ्रू द कोसी रिवर ऑफ द बिकॉज ऑफ द फ्लड। ठीक है, उसकी वजह से क्या थी फ्लड आती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द फर्स्ट इंटरनेशनल एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 5th June 1972, that is the Stockholm, that is option number 1, यहाँ पर क्या है correct answer। Next है, this is the 99 number question, so dash is a man-made hazard, flood, landslide, famine, that is industrial accident is the man-made hazard, and okay, so this is also a aptitude reasoning question, mathematics section, so ये paper हमने किया है महाराष्ट्र PSC, महाराष्ट्र Public Service Commission का जो technical service examination है, service examination exam, which is conducted on 17th of December 2022, जिसका ये first part था, paper 1 था, basically GS का part था, technical paper जैसे ही मेरे को मिलेगा तो मैं उसको उसका solution भी आपको upload करा दूंगा, provide करा दूंगा। ठीक है, तो video अच्छा लगा है तो please आप सभी लोगों से request है तो video को like जरूर करें, share करें, and channel पर अगर जो नए हैं तो please channel को subscribe जरूर करें। Thank you for watching, मिलते हैं जल्द।